हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो ये राजस्थान जीके की सुपर फास्ट सीरीज है, यानी ऐसे प्रश्नों की सीरीज जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन के आपको आंसर देने हैं। यानी मात्र आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 पर्सन आपको करवाएंगे। टारगेट रहते हैं इनमें से कम आपको 40 सही करने हैं, लेकिन जितने भी आप सही कर सकते हो ना, कमेंट करके बता देना कि कितने आपने सही किए हैं। और क्लास के बाद में अगर आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, साथ में पुरानी पीडीएफ भी अगर आप लेंगे तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से, चाहे तो आप सर्च कर लेना इस नाम से, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो दो प्रश्न याद रखने हैं यहाँ पर। पहला तो ये याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 155 में है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है अगर आपको ये बताना हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, ये आप जानते हैं। कौन करता है नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर आपका एक सही है। दूसरा है कि वीर सतसई, बलवंत विलास और रामर जाट, ये ग्रंथों के नाम है। ठीक है, विलास, रामर जाट और वीर सतसई, वंश भास्कर भी एक और ग्रंथ का आपके नाम सुना होगा। तो वंश भास्कर, वीर सतसई दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों की रचना की थी सूर्यमल मिश्र जी ने। ये बूंदी रियासत में एक शासक कहे थे राम सिंह जी, तो बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। दो आपका सही है। गिरधर ओशिया जी के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से गिरधर ओशिया जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? संगत रासो लिखा था। किस भाषा में लिखा था? याद रखें, डिंगल। डिंगल और पिंगल दो आपने नाम सुना होगा, एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। ये राजस्थानी भाषा के साहित्य रूप है। पिंगल तो होता है पूर्वी राजस्थान का, ब्रिज भाषा का साहित्य रूप है। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान का, यानी मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 153 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 153 3 आपका सही है। डोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है? डोला मारूरा दुहा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसने लिखा था? कवि कलोल जी ने। राइट आंसर आपका एक है। अच्छा, एक रसिक रत्नावली ग्रंथ का नाम है, इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचयिता कौन है? रसिक रत्नावली की रचना की थी नर हरिदास जी ने की थी। नर हरिदास जी, यानी 3 आपका सही है। अच्छा, राज्यपाल जी के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है राज्यपाल जी को, ये अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिला है? अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की जानकारी है। 1 आपका सही है। अच्छा, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उनका उल्लेख संविधान के 21 अनुच्छेद में, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख 157 में, अनुच्छेद 157 में 3 सही है। अच्छा, में से कौन सी राजस्थान में अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी यानी ना तो बंगाल की खाड़ी के जल अपवतंत्र का हिस्सा है, ना ही अरब सागर के अपवतंत्र का हिस्सा है। तो कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? कांतली नदी तो है, सीकर में है, आप जानते हैं, खंडला की पहाड़ियों से निकलती है, गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है। काकनी नदी भी है, कोटा गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है, और आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, याद रखना है, सबसे छोटी नदी यही है, सागी नहीं है। गगर नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। तो सबसे बड़ी है गगर, सबसे छोटी है काकनी। काकनी को एक और कहते हैं, नाम होता है मसूरदी नदी, या फिर इसी का नाम मिल जाता है काकने नदी। ठीक है, और ये एक झील का निर्माण करती है, उस झील का नाम आप जानते हैं कौन सी? बुद्ध झील का निर्माण होता है इसी से। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो है यांत्रिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। सातुड़ी तीज पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज किसे कहते हैं? कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज कब आती है? भादवे के महीने में, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को जिसे हम बड़ी तीज कहते हैं। और श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज। तो छोटी तीज है ये तो प्रसिद्ध है जयपुर की, आप बताइए बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, या बड़ी तीज का मेला कहाँ पर पड़ता है, कजली तीज का मेला कहाँ पर पड़ता है, कमेंट करके आप बताओ। नेवलों की पूजा है वो किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा करते हैं किस दिन? निड्री नवमी को, निड्री नवमी 2 सही है।
अच्छा, खारी नदी और मुरेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखो मुरेल का आंसर देखिए, आप आंसर बताओ, खारी तो दो है, वैसे खारी तीन नदी रास्ते दो मैंने, एक लूनी की सहायक नदी है और एक बनास की सहायक नदी है, दोनों की खारी है, लेकिन मुरेल नदी बनास की आएगी, तो मुरेल बनास की है तो खारी वाली भी बनास की कर दीजिए, क्योंकि एक खारी नदी लूनी की सहायक नदी भी है। अच्छा, बनेश्वर मेले का आयोजन है वो किस दिन किया जाता है? बनेश्वर मेला आप जानते हैं कहाँ पर बताए, नवा टापरा डूंगरपुर, डूंगरपुर में बनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ये कब बरता है? माघ पूर्णिमा को बरता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वागड़ का कुंभ कह दीजिए, वागड़ तो आप जानते हो ना किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अच्छा, अलवर महोत्सव का आयोजन कौन से महीने में होता है? तो अलवर महोत्सव अलवर में ही होता है ये जानते हैं, लेकिन कौन से महीने में आता है? ये फरवरी महीने में आता है, तीन से ही है। राग मंजरी एक ग्रंथ का नाम है। अच्छा, राग मंजरी की रचयिता कौन है, किसने इसकी रचना की थी? तो पुंडरीक विट्ठल जी ने की थी, चार से ही है। मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि राजस्थान के जो लोकगीत है, तो लोकगीतों में भावनाएं किसकी होती हैं? तो लोकगीतों में उमंग की भावना भी होती है, वियोग की है, हृदय की पीड़ा की भावना भी होती है, यानी सारी सही है। तो समस्त वर्णित विकल्प है वो सही है, तो डी कर दो राइट आंसर, चार नंबर। पटेलिया, बिचियो और लालर ये क्या है? ये राजस्थान के लोकगीतों के नाम है, राजस्थानी लोकगीतों है, पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, याद रखना, दो सही है। लांगुरिया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है? तो लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया एक नृत्य भी है। कहाँ पर होता है ये आप जानते हैं, केला देवी के मेले में किया जाता है। अब किसी की देवी के मेले में कोई गीत होता है तो क्या हो गया, भक्ति गीत होगा, तो भक्ति गीत है। और केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। कब बढ़ता है? नवरात्रों के टाइम पर बढ़ता है। एक और नृत्य होता है, उसको कहते हैं गुटकन नृत्य, तो ये भी याद रखना, गुटकन नृत्य किस मेले में किया जाता है? केला देवी के मेले में। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी हो जाएगा आपका। अच्छा, नानक भील और देवलाल गुजर जी का संबंध है वो किससे रहा है? कौन से किसान? नानक जी भील और देवीलाल गुजर जी, इनका संबंध जो रहा है वो रहा है बूंदी किसान आंदोलन से, जिसको आप कह दीजिए बर्ड किसान आंदोलन भी कह सकते हैं। इसके आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो नैनू राम जी ने की थी, रीट में क्वेश्चन भी आया था अगर आपको याद है, नैनू राम जी ने इसकी शुरुआत की थी। इनका संबंध रहा है बूंदी किसान आंदोलन, दो सही है। अगले में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, जो सही नहीं है? अलग अलग किसान आंदोलन दे रखे हैं आपको, एक साइड में तो किसान आंदोलन है, दूसरे नेता है, तो बीकानेर के किसान आंदोलन के नेता रहे थे नरोत्तम लाल जोशी जी, इन्हें पहला ही गलत है। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे विजय सिंह पथिक जी, सेकंड चरण की शुरुआत इन्होंने की थी, सही है। बूंदी किसान आंदोलन नैनू राम शर्मा जी, सही है। बेगू किसान आंदोलन बेगू चित्तौड़गढ़ में रामनारायण चौधरी जी, ये भी सही है, तो गलत हो गया, पहला गलत है। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक ही आंदोलन आप जानते हैं चला था 1921 में, कहाँ से? मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, इसे कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार। मोतीलाल तेजावत जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला कि कालीबाई भील निवासी थी, कालीबाई आप जानते हैं 19 जून 1947 को एक घटना होती है, अपने गुरु की जान बचाने के लिए बलिदान देती है। ये रास्तापाल गांव से थी, जिस घटना को हम कहते हैं रास्तापाल कांड के नाम से जानते हैं, ये डूंगरपुर में है, ठीक है। 19 जून की घटना होती है और 21 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाती है। तो दोनों में से जो भी आपको डेट मिले, 19 जून या 21 जून। राजस्थान का जलियावाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम, किस जिले में? तो राजस्थान का जलियावाला बाग कहते हैं मानगढ़ धाम को, बांसवाड़ा में है, तो राइट आंसर आपका दो सही है। भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की, संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में, कहां पर हुई थी? स्थापना हुई थी सिरोही में, और यह की थी गुरु गोविंद गिरी जी ने, जिन्होंने आगे चलकर क्या चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था, और इसी भगत आंदोलन में जो भगत थे उनकी ही सभा थी मानगढ़ धाम में, जो जलियावाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी, जहां पर हजारों भीलों की मृत्यु हुई थी। एक ही आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? अभी बताया था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। कब हुआ था? 1921 में। किस है? मोतीलाल तेजावत जी ने। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, वीकली जो पहला समाचार पत्र राजस्थान से निकला था,
वो कौन सा है? पहला वीकली समाचार पत्र है, उसका नाम है सज्जन कीर्ति सुधारक। सज्जन सिंह जी मेवाड़ के साथ सख्त, अगर आपको याद है उन्हीं टाइम सज्जन कीर्ति सुधारक, तो एक दो आपका सही है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदियों से, सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चार नदियां अपने जल गिराती है, मीरा नदी, खंडेल नदी, रूपनगढ़ है, कांतली नदी इसमें जल नहीं गिराती। कांतली नदी जो है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, याद रखना, दो सही है। तरुण समाचार पत्र जो है, तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र का नाम है, इसके व्यवस्थापक कौन थे? व्यवस्थापक थे जय नारायण व्यासी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जोधपुर में हुई थी जसवंत सिंह जी, महाराजा जसवंत सिंह जी के टाइम पर थी, सेकंड, तो राइट आंसर आपका दो सही है। अच्छा, मदद ए मास ये मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, किसको देते थे? मदद ए मास जो दी जाती थी ये कुलीन वर्ग को, दो सही है। अच्छा, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाने वाले शासक कौन थे? आप अंतिम शासक कह सकते हो, वो अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय, जयपुर के जो शासक थे जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, अंतिम शासक थे। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फतेह सिसोदिया के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? 1567 में अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, आपको याद ही है, उस समय वहां प्रशासन कर रहे थे उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी, और ये तीसरा शाका होता है चित्तौड़गढ़ का। वीरकला राठौड़ जी भी इसी युद्ध में लड़े थे। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल पे? ओसिया जो है वो कहां पर है? जोधपुर में है। इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, प्राचीन काल में इसको कहते थे उपकेशपट्टनम, यहां पर जैन मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, महावीर जी का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जो बना था वस्त्रराज के टाइम पर, वस्त्रराज प्रतिहार वंश के एक शासक हुए थे। इसके अलावा यहां पर हरिहर का मंदिर है, सत्या माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है। ओके, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहां पर है? यानी शक्कर मिल जो बनी थी जो सहकारी क्षेत्र की है, तो सहकारी क्षेत्र वाली आमते हैं तो तीसरी बनी थी केसराय पाटन वाली, पहले भोपालगढ़ वाली निजी क्षेत्र की थी, आप जानते हैं निजी क्षेत्र की थी, और सहकारी क्षेत्र की एक केसराय पाटन बूंदी वाली जो बनी थी। ओके, राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना हुई थी 1905 में, कहां पर हुई थी? पहली सहकारी समिति 1905 बनी थी बीनाए में, बीनाए कहां पर है? अजमेर में, एक सही है। अच्छा, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1976। अगला कि सहकारी साख समितियों का ढांचा है वो कितने स्तर का होता है? तो त्रिस्तरीय होता है, ये त्रिस्तरीय, तीन सही है। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे? त्रिकाल उसे कहते हैं इसमें तीन चीजें, ठीक है, जिसमें अन्न की, चारे की और पानी की कमी हो, अन्न, चारा और पानी, ये त्रिकाल कहलाता है, तीन चीजों का काल, दो सही है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यानी दूरी जो है सर्वाधिक कट्टा-पट्टा भूभाग है, इसलिए मध्यवर्ती अरावली होती है। मध्यवर्ती अरावली का विस्तार है वो अजमेर में ज्यादा है। तो सबसे ऊंचा भूभाग है ये, तो ये है दक्षिणी पश्चिमी सबसे ऊंचा भूभाग है और सर्वाधिक चौड़ा भूभाग भी है। उत्तरी पूर्वी सबसे कम कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी अरावली जो है ये कम ऊंची है, ऊंचाई है वो कम है, और कटापटा भूभाग जो है सर्वाधिक अंतराल वादा है वो है मध्यवर्ती अरावली वाला आता है, तो एक आपका सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे बताने हैं, इमेज कौन सा दर्रा है जो अरावली पर्वतमाला में है? रोहतांग दर्रा नहीं है, नाथुला जीरपा दर्रा भी नहीं है, देसोली किनार और हापी दर्रा जो है ये है, सिपकीला दर्रा भी नहीं है, तो तीन नंबर वाले दर्रे जो अरावली में है। क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी भी जैसलमेर ही सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा दूदू आप जानते हैं। ओके, इनमें से कौन सा जिला राजस्थान का मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाता है, और कौन सा जिला इनमें से शामिल नहीं आता, बताओ जरा क्या हो जाएगा? तो बांसवाड़ा तो है, प्रतापगढ़ भी है, उदयपुर नहीं है, झालावाड़ भी है, उदयपुर नहीं आता। करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से करक रेखा होकर गुजरती है, तो राइट आंसर तीन है। इनमें से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की है, गंगानगर की है, हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, बी सही है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के, ये तो आप जानते हैं बाड़मेर ही है, और यही क्वेश्चन होता कि पाकिस्तान प्लस पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तब इसका आंसर हो जाता गंगानगर,
अगला कि आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी है? ये लूनी नदी है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, बालोतरा के पास में इसका जल खारा हो जाता है तो आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसे की जाए? कुएं नलकूप से एक नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, फिर नहरों से दो नंबर पर है और फिर तालाबों से तीन नंबर पर है। कुएं नलकूप से ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? गंगानगर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो सब एक नंबर पर क्या है? कुएं नलकूप। सेवन घास जो है वो किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? सेवन घास पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर वाला एरिया। और लास्ट क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिला युगम कौन सा? यानी वो जिले जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आंसर देने से पहले सारे के सारे लाइक करो। और ये जानते हैं ये चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू को लाभान्वित करती है। तो ऑप्शन में देखो हनुमानगढ़, झुंझुनू दे रखे हैं, तो डी आपका सही है। तो ये थे आपके टॉप 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बता दो, लाइक करो सारे के सारे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। PDF मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक है पहला आसान सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, राइट। तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कल अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच।